को एक दुर्घटना की तरह देखना या अनचाही स्थिति की तरह से देखना एक वो चीज हो सकती है। तो यहां पर प्रज्ञा नहीं है, यहां पर विजडम नहीं है, और हम अनिश्चितता को निश्चित बनाने की भी सारी कोशिशें करेंगे। व्यक्ति के जीवन की जो 99% आपाधापी है वो इस अनिश्चितता को निश्चित बनाने के लिए, चाहे वो धन कमाकर, चाहे पद पे जाकर सत्ता हासिल करके, शक्ति हासिल करके, या फिर धर्म के जगत में जाकर, वो उस अनिश्चितता की जो लहर है उसको शांत करना चाहता है। क्योंकि अगर हमारे पास शक्तियां हों, संसाधन हों, जैसे कि मैंने पहली बात कही, तो बहुत सारी चीजें हमको निश्चित जान पड़ने लगती हैं कि चलो अब इतना तो निश्चित हो जाएगा, अब इतना पैसा तो मेरे पास होगा तो फिर इतना इतना तो सब काम हो जाएगा, प्रतिशत निश्चितता का उसका बढ़ेगा। लेकिन फिर भी क्या ये निश्चितता है? मार्केट क्रैश कर सकता है, कल को कोई और व्यवस्था बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मानवीय ढंग से निर्मित की गई निश्चितताएं हैं वो बहुत दूर तक साथ नहीं जाएंगी। किसी किसी को चलो इतनी बात भी समझ में आ जाती है, तो वो सोचता है धर्म अध्यात्म यहां तो निश्चितता होगी, कम से कम सब फिक्स्ड है, ये तो राजपथ है, यहां पर सब ठीक है, तो वहां जाता है। वहां वो धर्म अध्यात्म की दुनिया में सचमुच में वो किसी खोज के लिए जाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, या वो किसी निश्चितता की तलाश में जाता है? कोई किसी गुरु के पास गया, क्या वो किसी खोज के लिए गया या निश्चितता की तलाश के लिए? खोज ये है कि क्या है जीवन, ये अनिश्चित जो जीवन की धारा है ये क्या है, इसका समाधान नहीं चाहिए उसको, बस वो पूछ रहा है। जैसे अष्टावक्र में जनक पूछते हैं क्या है, सत्य को कैसे पाएं, मुक्ति को कैसे पाएं, तो वो ये पूछ सकता है कि इस अनिश्चितता के पार जाने का कोई उपाय, कैसे जाएं, ये नहीं पूछता। वो सोचता है ठीक है अब गुरु जी के पास आ गए, वो सब देख लेंगे, उन्होंने सब देख लिया होगा अंदर बाहर और पूरी गारंटी। तो कई गुरु गारंटीड सोल्यूशन भी दे देते हैं, किताबें भी आई हुई हैं ऐसी गुरुओं की, गारंटीड सोल्यूशन, देयर इज नो सच थिंग लाइक गारंटीड सोल्यूशन, कोई किसी को नहीं दे सकता। ज्योतिषियों के पास जाते हैं क्यों? अनिश्चित को निश्चित बनाने के लिए। भाई अभी तो सब धुआं धुआं था, अंधेरे में था, पता ही नहीं था कल क्या होगा, तो कोई बता दे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, साल भर बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन आज तक का इतिहास रहा है किसी ने बता दिया और तब भी कोई चैन से तो बैठा नहीं, फिर किसी तीसरे के पास जाता है, पक्का है? वो कहते हैं बिल्कुल पक्का है, ठीक है, लेकिन पक्का तो कुछ होता नहीं। यहां पर अनिश्चितता अगर इतनी ही हल्की होती, इतनी ही कच्ची होती, तो मुद्दा कब का खत्म हो गया होता, कब का लोगों ने सब बना के सब प्रेडिक्ट कर दिया होता कि भाई ऐसा ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेडिक्शंस नहीं करी जा सकती, इशारे किए जा सकते हैं, बताई भी जा सकती है, और इस पर मैंने खुद विस्तार से बात करी है कि वो तीन धाराएं हैं, इस समय उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जीवन के बारे में सब कुछ तो बताया ही नहीं जा सकता, तो वो बेचैनी बनी रहेगी, फिर व्यक्ति को लगेगा चलो अपना ही ध्यान साधना कर डालते हैं, किसी दूसरे से पूछने पाछने का झंझट क्यों करें, अपनी ही कुछ साधना सिद्धि समाधि, फिर तो शायद निश्चित हो जाएगा। वहां भी कोई निश्चित नहीं होता, फिर कुछ आगे चला जाता है, फिर कोई नई चीज पैदा हो जाती है। लेकिन ध्यान में जाकर और ध्यान से उतरी समाधि सिद्धि में जाकर होता क्या है, अनिश्चितता की प्रज्ञा पैदा होती है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, कि व्यक्ति बहुत ही सजग होकर देख पाता है कि जीवन बदलाव है, प्रतिपल एक बदलाव है, और निश्चित रूप से जो बदलाव है उस बदलाव में बहुत कुछ निश्चित होगा, ये वैज्ञानिक बात है।
जो गैर बदलाव वाली स्थिति उस पर ही बदलाव टिकेगा, अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि पर ही परिवर्तनशील का नृत्य चलेगा। अगर सब कुछ अनिश्चित है तो निश्चित ही कुछ ऐसा निश्चित भी होगा जिसके ऊपर अनिश्चित का ही सारा कार्य व्यापार चल रहा होगा, लेकिन वो हमारा वाला निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हम जीवन की घटनाओं को निश्चित करना चाहते हैं, हम जीवन की परिस्थितियों को निश्चित करना चाहते हैं। लेकिन है कुछ निश्चित, हमारी चेतना, चेतना का वो विस्तार जिस पर कोई बदलाव नहीं होता, वो है निश्चित, उस पृष्ठभूमि पर सारा खेल चलता है। लेकिन हम जिन चीजों को निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं वो बड़े मुश्किल है, कि मैं ये वाली नौकरी करता कि वो कर लेता, कि मैं ये नहीं करता कि मेरे पास कम पैसा होता कि ज्यादा होता, मैं घर में रहता कि जंगल में रहता, सब बदला जा सकता है। इशारे भी किए जा सकते हैं, बदला भी जा सकता है, अभी इतने लोग यहां बैठे हैं, इस क्षण की, इस मोमेंट की सबकी कंडीशनिंग डेवलप है। अगर हम उस सारी कंडीशनिंग को अभी स्टडी करें तो यहाँ के लोगों के बारे में हम 80% बातें बोल सकते हैं अगले हफ्ते भर में लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते भर का उनका जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं बन चुका है, समझ रहे, तो वो बताया जा सकता है, वो निश्चय की जोन में आ सकता है। लेकिन अभी लोगों के मन बदले, समझ बदले, लोगों के विचार बदल जाए, भावनाएं बदल जाए, तो वो जो फ्रेम पहले से तय था वो बदल जाएगा, तो उसके बारे में बताना मुश्किल होगा। इसलिए हमको जब ध्यान और अध्यात्म में बात करी जाती है तो यही करी जाती है कि अपने अंदर के उस सोर्स को, उस स्रोत को जानना है, या वहां जाना है जहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, जहां पर कोई अनिश्चितता नहीं है, और वहां से उठकर ये सारा खेल, ये सारी लीला फैलती है। तो जो इसको देख लेता है वो बहुत शांत हो जाता है, वो जीता है अनिश्चितता की प्रज्ञा में, और जो इसको नहीं देख पाता वो जीता है अनिश्चितता के भय में। बाकी रहा सवाल अनिश्चितता का, तो वो तो रहती ही है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो दो स्थितियां हैं, या तो हम अनिश्चितता के भय में जिए या अनिश्चितता की प्रज्ञा में जिए। प्रज्ञा एक चीज और लेकर आएगी कि अस्तित्व चाहे कितना भी अनिश्चित हो, लेकिन सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ है। तो हम अलग थलग, एकाकी बिल्कुल भी नहीं है, और संभाले हुए होने की अगर बात देखी जाए तो जितना हमारा सजगता का स्तर है उतना ही संभले हुए होने की समझ, और उतना ही आश्वासन, और उतनी ही शक्ति है। संभला हुआ है, हम अभी तक संभले हैं, तुम यहां पर हो, संसाधन कम या ज्यादा उनकी बात उठानी व्यर्थ है, क्योंकि संसाधनों का भी क्या करेंगे हम, बाहरी जगत में संसाधनों से ही चीजों को तौलते हैं। अनिश्चितता थी, अरे हम इस बिजनेस में हाथ डालते तो शायद इतना प्रॉफिट हो गया होता, तो हम इसमें ये किया होता। लेकिन नट सेल में जब हम जीवन की सफलता को देखेंगे तो वो सारे पैरामीटर्स को लेकर तय करी जाएगी, जिसमें धन एक पैरामीटर है, वो सब कुछ नहीं है, धन ओनली वन पैरामीटर। फिर हमारी मानसिक शांति, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे संबंधों की मधुरता, हमारे अंदर करुणा और शांति की जो धाराएं हैं, सब कुछ तय करेगा। किसी व्यक्ति के पास धन का अंबार लगा हो, संबंध उसके बिल्कुल कटुता से भरे हैं, बिखरे हुए हैं, मन बिखरा है, शांति नहीं है, करुणा नहीं है, समझ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो असफल ही माना जाएगा वो। इस दृष्टि से देखेंगे तो हम अस्तित्व पर एक श्रद्धा के साथ जी सकते हैं। तुम्हारे शरीर को यहां तक ले आने में तुम्हारा कोई रोल नहीं। अगर अनिश्चितता की ही बात देखें, जब बच्चा पैदा हुआ तुमको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, शरीर
अब जेनेटिकली तो हम उसको आज भी बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यही प्रेडिक्शन है कि जेनेटिकली तो हम आज जान सकते हैं कि इतनी हाइट पर जाएगा, ऐसा ऐसा शरीर होगा, ये आंखों का रंग होगा, लेकिन अगर किसी को वो विज्ञान नहीं पता है, मान लो तो शरीर बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा, कितना पहुंचेगा, किसी को कितना लंबा होना है, आज वैज्ञानिक कहते हैं बिल्कुल फिक्स है, तुम लाख खम्भे में लटको, लंबाई नहीं तुम्हारी बढ़ने वाली। इल्यूजन हो सकता है कि थोड़ा एक आध इंच हमें लग रहा है बढ़ गई, तो ऐसे तो लोग लटकते रहे तो छत छूने लग जाएं, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये भी तो मटेरियल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होकर एक आध इंच का फर्क पड़ जाएगा इससे ज्यादा का, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जेनेटिकली डिजाइन होकर तय हो चुका है, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल है, वो अस्तित्व कहते हैं, उसमें हमने कुछ नहीं किया। तो अस्तित्व में जब इतनी सब चीजें अपने हिसाब से तय हैं और अपने हिसाब से चल रही हैं, तो हमें बहुत परेशानी, चिंता या भय की जरूरत नहीं है। उसी को मैं कहता हूं जो जैसे होना है वो वैसे होता रहेगा, तो बेकार में परेशान होने की बात नहीं है। आराम से रहिए, शांति और सजगता से रहिए, अच्छी ही बातों में नहीं, बुरी बातों में भी ये बात लागू होती है। जैसे अभी तो जो जेनेटिक पर काम चलता है, हमारी बीमारी की भी सारी प्रेडिक्शन करी जा सकती है। तुम हर्बल लाइफ स्टाइल, योगा और सब करने में जुटे हुए हो और मान के चल लो सब बचा लेंगे, लेकिन अंदर वो कोई चीज थी जो शुरू हो चुकी है, जो सरफेस पर बस आने वाली है, तो वो आकर रहेगी, वो डिजाइंड है तुम्हारे उसमें। तो अनिश्चितता की प्रज्ञा में क्या है, तुम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो, और फिर ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस का मैजिक ये होता है कि कई बार वो रिकवर भी हो सकती है। किसी चीज का आना तो डिजाइन में हो सकता है, लेकिन उसके इनकाउंटर में क्या निकलेगा ये डिजाइन में नहीं होता। वो तुम्हारा माइंड और कॉन्शियसनेस, जिसकी अप टू डेट कंडीशनिंग बदली होगी, वो करेगी। यही पर सारा सूत्र है, ये जो साधना है, सत्संग है, वो हमारे अंदर यही सब पैदा करता है कि हम उस समय क्या करेंगे जब आ चुका होगा, और तभी मिरेकल होते हैं, तभी जिंदगी की चीजें बदलती हैं। तो इसलिए कोई ये सोचे कि जीवन में ये नहीं होगा, ये निहायत परेशान करने वाली चीज होगी। जो आ रहा है आने दो, तुम उसको हैंडल कैसे करोगे, उस पर तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, वो तुम्हारी विजडम से तय होगा, पैनिक से नहीं तय होगा। अक्सर तुम देखो जिन लोगों ने अपने जीवन को तथाकथित रूप से बड़ा निश्चित और सुरक्षित बना रखा होता है, जीवन में जरा सी दुर्घटना आपदा हो जाए तो कितना बड़ा पैनिक आ जाता है, सब कुछ हिल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति समझदार है तो वो स्वीकार करता है, वो पैनिक में नहीं रहता, चीजों को सामना करता है। तो प्रज्ञा में जीने वाले व्यक्ति के लिए कोई परेशानी नहीं। अस्तित्व ने आज तक तुमको संभाला है तो कल भी संभाल लेगा, और नहीं संभालेगा तो नहीं संभालेगा।